अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल मेहरमा एंड जुनैद। तो आज हमारी रवानगी हो रही है पंजाब जा रहे हैं। हमारे बैग रेडी हैं, बस अब हम जो है बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। बस हम और बस ये उदासी का आलम है कि हम इसे नहीं लेके जा रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस। बस स्टैंड पे जाएंगे। हाँ, तो फटाफट से हम जाते हैं बस स्टैंड, बस स्टॉप पर। हमारी जो है गाड़ी रवानगी के लिए तैयार है। हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, यहाँ पर हमारी बस इंतज़ार कर रही है। मेहरमा है, बड़ी एक्साइटेड हो रही है। ओह, जल्दी जल्दी जाए। तो हम लैंड क्रूजर में जा रहे हैं। इसको बस टर्मिनल पे आ गए थे, सामान हमारा यहाँ पड़ा है। बस भी आ गई है, बस के अंदर सामान शिफ्ट हो रहा है। मेहरमा यहाँ पर इंतज़ार कर करके सूख गई है। अली के पापा फ़ोन पर बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम बस देखेंगे। बस में हम लोग बैठ चुके हैं। मेहरमा हमारे साथ बैठी हुई है। हमारी फ्रंट की सीटें हैं और पीछे अली के पापा भी बैठे हैं। क्या हाल है? ठीक है। तो हम अली के पापा के साथ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह भी सफर का आगाज हुआ है। हम अली के पापा के साथ जा रहे हैं, अली के पास। तो इंशाल्लाह अब रास्ते में मुलाकात करते रहेंगे। इनको अभी पता नहीं है कि मुझे लेके तो जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता अली और मैं मिल जाते हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। हाँ, ये तो मेहरमा ने सही कहा भाई। अब वहाँ दोनों मिलके सबको पता। अभी वहाँ जाके खूब हंगामा होगा। कराची टूल प्लाजा पहुँच चुके हैं और मेहरमा आराम फरमा रही है। ये तो सुबह से उठी है। टाउन भी क्रॉस हो रहा है। गाड़ी इस वक्त फ्यूल फिल कराने के लिए रुकी है। हम नीचे उतर गए, अभी नमाज भी पढ़नी है, नमाज का भी वक्फा है और मेहरमा की भी नींद पूरी हो गई। अली के पापा भी जो है यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो फटाफट से नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा गाड़ी में रवाना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है, अब पी रहे हैं चाय। चाय पीने के बाद दोबारा जाएंगे हम बस में। मैं जूस लिया। थैंक यू। चाय नहीं पी? नहीं, मैं चाय नहीं, जूस लिया। चाय पीते हैं उसके बाद गाड़ी में। तो गाइस, हमने चाय वाय पी ली थी, नमाज वगैरह पढ़ ली थी। चाचू लगे मैं अपने फ़ोन में और मैं बैठी हुई और मैं पी रही हूँ अपना जूस। हैदराबाद टूल प्लाजा पहुंच चुके हैं हम। मेहरमा अपने मोबाइल की बैटरी ख़त्म कर रही है लगातार और अपना पावर बैंक उसने लिया नहीं है। अब क्या है ना, हैदराबाद टूल है, अभी टूल क्रॉस करेंगे। अली के पापा ने ये यहाँ की मशहूर हैदराबाद की मशहूर रबड़ी मंगवाई और बिरयानी भी आई। फटाफट से खाते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस, यहाँ बिरयानी अपनी तशरीफ ला चुकी है, टेस्ट करके बताओ। चीज बढ़िया है, कोई भी टेस्ट करो आप, मैं भी टेस्ट करती हूँ। चीज बढ़िया है। रबड़ी टेस्ट कर, रबड़ी खाएंगे ना फिर। मिलकर बिरयानी हमने खा ली थी, अब हम नमाज के लिए रुके हैं। मस्जिद जा रहा हूँ मैं, नमाज़ पढ़ूंगा और मेहरमा वेट करेगी, उसके बाद हम खाएंगे रबड़ी, हैदराबाद की मशहूर रबड़ी। सही, नमाज़ पढ़ चुके हैं हम, अब जा रहे हैं बस में। बस वाला भी हॉर्न बजा रहा है और मेहरमा और मैं जाएंगे अभी जाते के साथ ही। क्या खाएंगे? रबड़ा। रेबड़ा नून छोटा, रेबड़ा नून छोटा। चलो फटाफट से बस में बैठते हैं। अली के पापा ने मंगवाई थी स्पेशल रबड़ी हैदराबाद की। थैंक यू। चलो मेहरमा टेस्ट करो, प्लीज ओपन इट। चलो मैं खोलता हूँ। मेहरमा टेस्ट कर रही है रबड़ी। बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। चीज बढ़िया।
हम लोग सखर पहुंच चुके हैं। गाड़ी में काफ़ी नींद आ रही थी, आंख लग गई थी, गाड़ी रुकी तो पता चला कि सखर है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है, और मेहरमा गई है ऊपर तो मैं भी उसके पास जा रहा हूँ। यहाँ पर खाएंगे खाना, फिर आगे रवानगी होगी। खाना आ चुका है, मेहरमा खाएगी सारा खाना, ठीक है। उसके बाद अली के पापा भी बैठे हैं, फिर मिलते हैं बाहर जाके। सही मेहरमा बताओ क्या हुआ हमारे साथ? हम लोग ना खाना वाना खा रहे थे, हमने लंबी कर दी, हमने बोला अभी तो होगा टाइम, ये वो बस वाला निकल रहा था, बस लेके चाचू ने फौरन फोन करा, उसने बस रोकी, भग भग के आए हम लोग। अभी मैं मेरा ब्लैंकेट वगैरह पड़ा, हम लोग सोएंगे मिलते बाद में। मुजफ्फरगढ़ हम पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ खुली गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर गाड़ी यहाँ से रवाना होगी। मेहरमा गाड़ी में सो रही है, फिर उसके बाद जो है गाड़ी नाश्ते के लिए रुकेगी, नाश्ता करेंगे, फिर हमारा सफ़र दोबारा से रवा दवा हो जाएगा। फजर की नमाज़ पढ़ ली है, फजर की नमाज़ पढ़ने का तो मज़ा आ गया, गर्म गर्म पानी से वजू किया है। यहाँ पर माहौल कुछ इस तरह है, बहुत ठंड है। गाड़ी में जाके बैठते हैं, फिर मिलते हैं मेहरमा से। गाड़ी में आके बैठ गए हैं, गाड़ी में हाल कुछ ऐसा है। मेहरमा क्या हो गया? ठंड लग रही है। मेहरमा को ठंड लग रही है भाई, ठंड। अभी आगे जाके नाश्ता करेंगे, नाश्ता करते वक्त मिलते हैं होटल पर। सही है, मुजफ्फरगढ़ हम पहुंच चुके हैं, मियांवाली के करीब करीब हैं। बड़ा बेहतरीन नज़ारा है, क्या मौसम है, ज़बरदस्त खुशगवार मौसम है, और मुँह से जो है वो धुएँ निकल रहे हैं। मेहरमा गाड़ी के अंदर सो रही है, अब उठेगी, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर जो है हम जाएंगे आगे की तरफ। मेहरमा भी नींद करके बाहर आ चुकी है, मेहरमा को मज़े आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, है? दोबारा करो कैसा नज़ारा है मेरा? बहुत अच्छा, ठंड भी कमाल की हो रही है भाई। वहाँ चले खेतों में? नहीं है? खेतों में चलते हैं। नहीं, 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 नहीं। बहुत मजेदार ठंड है भाई। ओए होए, दोबारा फिर हम जाएंगे। ठंड कैसी हो रही है? ये वाली। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और मेहरमा आँख ही नहीं खोल रही है। मेहरमा आने वाला है घर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अली के गांव। अब जो है यहाँ से सामान निकाल लें, फिर जाएंगे घर। अब जा रहे हैं हम घर पर, और मेहरमा की हालत देख लो अभी से क्या हो गई। मैंने तो कह रही थी कि मैं जाते के साथ ही खेलूँगा, अभी हालत देखो इसकी। सोऊंगा। हाँ, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अनस भाई के पास। सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है अनस भाई? अब्दुल्ला अली। तो अभी हम पहुंचे हैं, थोड़ा आराम करेंगे। तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया, सामान सामान उठा के अंदर लेके जाएंगे ना भाई। आप इस व्लॉग को आप यहाँ एंड करें। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे व्लॉगिंग व्लॉगिंग वाला सीन ज्यादा नहीं है, यहाँ पे सोए रहना, हम आपकी वजह से उठे, वरना धूप जो। नहीं नहीं, सोएंगे, मिल बांट के सोएंगे। अच्छा बात तो सुने, आप व्लॉग को एंड करें ना यहाँ पे। यहीं से व्लॉग को करते हैं एंड। भाई जुनैद भाई, बड़ी सर्दी में शिद्दत है, तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस बेचारी तो हालत मुझे लग रही है अभी, इसमें बीमार हो जाना, दवाइयाँ शवाइयाँ लेके आई हो, फिर ठीक है। तो आप लोग लाइक करें, देखो भाई इतनी सर्दी में आ गए आप लोगों के लिए, आप लोगों को नेचर दिखाने के लिए, आप लोगों को सर्दी दिखाने के लिए, और इस सर्दी में भाई मेहनत करना, तो इसके लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई। व्लॉग एंड कर दो, इस व्लॉग को करते ही हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इतनी सर्दी में आया इधर। देखो भाई गली जाम हो गई है, तो इस व्लॉग को यहीं से मैं एंड कर देता हूं। चलो भाई, जुनैद भाई को सर्दी लगी है, उनको शर्म आ रही है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेहरमा जुनैद व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और इनके अच्छे अच्छे व्लॉग देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।